नमस्कार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के दौरे के लिए जल्द जाने वाले हैं। अगले हफ्ते 20 तारीख को यानी 20 फरवरी को वो जम्मू जाने वाले हैं। इस दौरे के क्या मायने होंगे, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। दरअसल ये प्रधानमंत्री का 2022 में वो लास्ट जम्मू गए थे, उसके बाद ये पहला दौरा है जब वो जम्मू जा रहे हैं। ये इम्पोर्टेंट इसलिए माना जा रहा है क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट सेटल होने से पहले प्रधानमंत्री कई मेगा प्रोजेक्ट्स जो हैं वहां पे इनॉग्रेट करने वाले हैं। उनमें से सबसे प्रमुख ये एम्स है जो विजयनगर में सांबा सेक्टर में जो है वो इनॉग्रेट करेंगे। देविका प्रोजेक्ट उधमपुर में इनॉग्रेट करेंगे, IIIM इनॉग्रेट करेंगे। इसके अलावा और भी कई प्रोजेक्ट्स हैं जिनका वो उद्घाटन करने वाले हैं। यही नहीं, नौजवान युवा पीढ़ी को लुभाने के लिए जो, क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि रोजगार को लेकर चर्चा जो है वो आम होती है, बेरोजगारी को लेकर चर्चा आम होती है, तो 1,00,000 जो सर्टिफिकेट्स हैं रोजगार मेले के तहत प्रधानमंत्री जो हैं अलग अलग क्षेत्रों में जो है ये रोजगार पत्र जो है वो देंगे। ये इम्पोर्टेंट इवेंट है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि आने वाले चुनावों में उसका इसका बेनिफिट उन्हें मिलेगा, क्योंकि धारा 370 हटाने के बाद ये एक मेन विजिट जो है वो मानी जा रही है प्रधानमंत्री की। अगर हम कश्मीर घाटी की बात करें तो वो 2019 में आखिरी बार कश्मीर घाटी गए थे, 2 महीने पहले यानी अगस्त 5 अगस्त 2019 को जब धारा 370 वहां से हटाई गई थी, उससे 2 महीने पहले वो वहां गए थे। हालांकि कश्मीर यात्रा का अभी प्रोग्राम जो है वो सामने नहीं आया है, लेकिन जो इंतजाम है वो वहां पे किए जा रहे हैं। लेकिन जम्मू लेक का जो कार्यक्रम है वो तय हो चुका है, वो एक रैली भी जो है वो एड्रेस करेंगे। यहाँ पे ये भी बताना बहुत जरूरी है कि प्रधानमंत्री की रैली क्यों इम्पोर्टेंट है। दरअसल 1 दिसंबर 2013 में जब उन्होंने बतौर, जब वो प्राइम मिनिस्टर बनने के उसमें थे, तो बतौर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जब उनका कैंडिडेट बनाए गए थे प्रधानमंत्री के लिए, तो उन्होंने 1 दिसंबर 2013 में जम्मू से जो रैली की थी उसमें उन्होंने इस बात का उल्लेख किया था कि कैसे जो धारा 370 है वो एक अड़चन पैदा कर रही है जम्मू कश्मीर के विकास के लिए। ये बात उन्होंने वहां पर तब की थी जब उन्हें कैंडिडेट बनाया गया था NDA द्वारा प्रधानमंत्री का। यही नहीं, उन्होंने ये भी सवाल उठाया था कि आखिर क्या वजह है कि IIT और IIM पास के पड़ोस के राज्य हिमाचल प्रदेश में है लेकिन जम्मू कश्मीर में ना एम्स है, ना IIT है, ना IIM है। अब 11 साल बाद अब प्रधानमंत्री इन्हीं सभी चीजों का उद्घाटन वहां करने जा रहे हैं। IIM जम्मू का उद्घाटन होगा, एम्स का उद्घाटन होगा, इसके अलावा और भी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं। इसलिए उनकी जो ये यात्रा है उसके ऊपर काफी ध्यान जो है वो BJP दे रही है और काफी इंतजाम जो है वो भी कर रही है। यहाँ पर यह भी बताना जरूरी है कि जम्मू कश्मीर में पहले 6 लोकसभा सीट्स होती थी, उनमें से 1 लेह लद्दाख की थी, लेकिन अब क्योंकि लेह लद्दाख जो है वो अलग से एक UT बन गया है, 5 सीट्स जो है वो अब जम्मू कश्मीर की रह गई हैं। 3 पहले इनमें से जो सीट्स थी वो घाटी यानी कश्मीर की थी, जिनमें जो था श्रीनगर, बारामूला और अनंतनाग थे, और 2 सीट्स जो थी वो जम्मू की थी, उधमपुर और जम्मू। लेकिन अब डीलिमिटेशन कमीशन की जो रिपोर्ट आई है उसके फैसले के बाद जो अनंतनाग की सीट है उसे आधा जो है वो जम्मू क्षेत्र में चला गया है, यानी रजौरी और पुंछ जो है उसमें जो है वो ऐड कर दिए गए हैं। यहाँ पर डायनेमिक्स आपको समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि अनंतनाग की सीट के ऊपर अक्सर हमने देखा है कि वहां पे पोलिंग वोटिंग का जो प्रतिशत है वो बहुत कम रहता था, जबकि इन कंपैरिजन वोटिंग का परसेंटेज रजौरी और पुंछ में काफी ज्यादा रहता था। तो इसके चलते भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि अगर इस बार अब अगर चुनाव हुए तो ये जो सीट है, अगर रजौरी और पुंछ में वोटिंग ज्यादा हुई तो BJP की जो एंट्री है वो घाटी में इस सीट के मार्फत हो सकती है। इस करके ये डायनेमिक्स भी देखा जा रहा है। BJP जो है वो सभी 5 सीटों पे बहुत खुलकर प्रचार जो है वो कर रही है, अपने कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करने का जो उसका प्रोग्राम है वो भी उसने कर लिया है, और पूरे इंतजाम जो है लोकसभा चुनावों के मद्देनजर वो वहां पर कर रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर जा रहे हैं, एक चुनावी बिगुल जो है वो बजने से पहले वो ये जितनी भी
जो इनॉग्रेशन है, उद्घाटन है, नौजवानों के साथ डायलॉग करने का जो सिलसिला है वो सब वहां पर कर रहे हैं। साथ में ये भी सामने आया है कि जो ये रोजगार मेला हो रहा है इसमें बाकी के जो मंत्री हैं उनको भी कार्य दिया गया है, जैसे कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं जो यूनियन मिनिस्टर हैं कंज्यूमर अफेयर्स के, वो साथ में जो अश्विनी कुमार चौबे जो कंज्यूमर अफेयर्स के मिनिस्टर हैं और जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह है वो पीएमओ के मिनिस्टर हैं, उन्हें बीएसएफ हेडक्वार्टर्स पलौड़ा में बोला गया है कि आप वहां पर जो रोजगार मेले के तहत जो सर्टिफिकेट्स है आप वो वहां पर बांटिए। ऐसे ही जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर आयुष वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट महेंद्र मांचपुरा है वो अटेंड करेंगे श्रीनगर में रोजगार मेला। तो हर एक सेक्टर जो है वो बांट दिया गया है ताकि 1 लाख से ज्यादा जो रोजगार के सर्टिफिकेट्स है रोजगार मेला में दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री एक बड़ी चुनावी रैली भी करेंगे, तो इस करके जो भारतीय जनता पार्टी है वो काफी ज्यादा बड़े इंतजाम जो है वो वहां पर कर रही है। हमने भी बात की मिस्टर रैना से जो भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर के लीडर हैं, उनका कहना था कि पूरी अरेंजमेंट्स हो चुकी हैं। यही नहीं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह का भी यही कहना है कि बिफोर जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है वो सेट इन हो, क्योंकि माना जा रहा है कि मार्च के पहले हफ्ते में जो इलेक्शंस हैं वो अनाउंस कर दिए जाएंगे, तो एमसीसी जो है वो सेट इन हो जाएगा। उससे पहले ये जितने भी उद्घाटन हैं, जितने भी इनॉग्रेशंस हैं, ये एक बड़ा एक मुद्दा रहेगा भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि ये जो लुभाने की कोशिश की जा रही है युवा वर्ग को, वो उसके उसके लिए भी एक इम्पॉर्टेंट जो डिसीजन है वो माना जा रहा है। बाकी के जो नेता हैं वो अलग अलग एरियाज में, जैसा कि मैंने आपको बताया, अलग अलग एरियाज में ये सर्टिफिकेट्स बांटेंगे और ये पूरा काम जो है वो चलेगा। साथ में ये कंपेरिजन भी किया जाएगा कि 2013 के बाद जो एक जम्मू कश्मीर का हालात बदले हैं, स्थिति बदली है, पॉलिटिकली उसके क्या चेंजेस आए हैं, वो सब जो है वो डिस्कशन का एक पहलू रहेंगे। माना जा रहा है कि जब प्रधानमंत्री रूबरू होंगे लोगों के साथ। तो शुक्रिया दोस्तों, मेरे साथ आज इतना ही। अगले हफ्ते जब प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचेंगे तब दोबारा से इस मुद्दे के ऊपर हम चर्चा करेंगे। नमस्कार।